हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपना टॉपिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में कास्टिंग प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर नंबर 44 में कास्टिंग प्रोसेस में परमेबिलिटी के बारे में इंड किया था अपना टॉपिक। इट मीन्स हम लोग सैंड की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने परमेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। आज का लेक्चर हम लोग उसी के आगे लेक्चर नंबर 45 में डिस्कस करेंगे और सारी सैंड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसा कि हमारी कुछ फ्लोएबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, प्लास्टिक सिटी प्रॉपर्टी होती है, स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी होती है, कोलैप्सिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ग्रीन स्ट्रेंथ वगैरह क्या होती है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक जो स्टार्ट हुआ था, हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड। इस प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड में हम लोगों ने एक प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था और वो थी हमारी परमेबिलिटी। इसका मतलब ये था पारगम्यता, मतलब जैसे ये जो हम मोल्ड कैविटी बनाएंगे, इस मोल्ड कैविटी को देखिए, सपोज करिए यहाँ पर हम लोग एक कैविटी बनाएंगे। अब इस कैविटी को बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते थे, अपने सांचे का उपयोग करते थे, जिसे हम लोग बोलते थे पैटर्न। अब इस पैटर्न से जब बनाएंगे तो इसके चारों तरफ सैंड की फिलिंग करनी होती थी। विदाउट सैंड के फिलिंग किए ये नहीं बन पाएगा, या तो सैंड के फिलिंग करेंगे टेम्परेरी मोल्ड बनाने के लिए, या परमानेंट मोल्ड बनाने के लिए हम लोगों को मेटालिक पैटर्न का यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट, ये हमारा बनता है, ये इसे बोलते हैं हम लोग मोल्ड कैविटी, और इसे बनाने के लिए इस मोल्ड का उपयोग करना होता है, और ये मोल्ड हमारी या तो सैंड की बनती है या परमानेंट मोल्ड के लिए मेटालिक सांचे तैयार किए जाते हैं। तो ये होता है। अब अगर सैंड की बनाते हैं तो इस सैंड में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिससे हम इस मोल्ड को बेटर तरीके से यूज कर सकें। हालांकि ये मोल्ड केवल एक ही बार यूज किया जाएगा और दोबारा ये कास्टिंग नहीं हो पाएगी, इसे तोड़कर हम अलग कर देंगे, दूसरी बार कास्टिंग के लिए हमें दोबारा मोल्ड बनाना पड़ेगा। फिर भी हमें एक बार जो मोल्ड बनाना है तो जिस सैंड से बनाएंगे उसका कंपोजिशन क्या होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया था परमेबिलिटी। परमेबिलिटी का मतलब यहाँ से जब हम मोल्टेन मेटल इसके अंदर फिल करेंगे, वो मोल्टेन मेटल हीट स्टेट में होगा तो वो क्या करेगा, इस सैंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, जिससे अपनी हीट की वजह से पास की सैंड को भी गर्म करेगा। तो सैंड में कुछ मॉइस्चर कंटेंट होते हैं, वो क्या हो गए, इवोपरेट होकर वेपर यानी कि गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर वो गैसेस अगर बाहर नहीं निकलेंगी तो इसी के अंदर घूमती रहेंगी, और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन वो गैसेस उस मोटाइली मतलब मोल्टन मेटल में ऐसे अपना स्पेस बना लेती हैं, तो जिससे सॉलिडिफिकेशन के बाद वो जो मटेरियल बनेगा उसमें एक कैविटी बन जाएगी। तो ये हमारे एक प्रकार के कास्टिंग डिफेक्ट हैं, उसे हम लोग दूर करने के लिए ये चाहते थे कि ये गैस हमारी बाहर निकल जाए, और बाहर तभी निकलेगी जब इस सैंड से गैस को पास होने की जगह मिलेगी, रास्ता मिलेगा। तो हम इसीलिए परमेबिलिटी पढ़े थे कि द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड टू स्केप द एयर, मतलब एयर को पास करने की प्रॉपर्टीज को या एयर को फ्लो करने की प्रॉपर्टीज को परमेबिलिटी हम लोग कहते थे। इसे हमने जो डिस्कस किया था, परमेबिलिटी नंबर से इसको हम लोग शो करते हैं, और परमेबिलिटी नंबर PN बराबर VH अपॉन PAT हमने आपको बताया था, VH अपॉन PAT, वेयर
वी इज इक्वल टू, जैसे इसमें कास्टिंग करते समय कितना इसका वॉल्यूम होना चाहिए, कितना वॉल्यूम मतलब ये जो गैस बनेगी उस गैस का कितना वॉल्यूम होगा उसे हम लोग बोलेंगे वी। वी मीन्स वॉल्यूम ऑफ गैस। एच जो हमारा होता था, अच्छा आप देखिए सपोज करिए कि हम कास्टिंग कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बना दें और हमारा जो है मोल्ड कैविटी इतनी बड़ी बनानी हो, इतने छोटे ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए अगर हम इतना बड़ा पैटर्न का यूज करेंगे तो उस समय यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम सैंड की फिलिंग करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सैंड की फिलिंग करेंगे ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सैंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या ये हमारे लिए सूटेबल है? ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। सेकेंड केस हमारा क्या होगा, सपोज करिए कि हमें इतना बड़ा मान लीजिए हमने बॉक्स लिया था और उसमें हमने इतने बड़े पैटर्न को रखकर बनाना था, मतलब इतने बड़े ऑब्जेक्ट को बनाना था। अब उस समय क्या होगा कि केवल सैंड को फिल करने के लिए बस इतनी ही जगह मिल पा रही है। तो क्या ये दोनों केस हमारे लिए सही होगा? ना तो ये केस हमारे लिए सही होगा, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बनाना हो और इतना ही बड़ा हमारा, इससे थोड़ा सा बड़ा हमारा क्या होगा, सांचा होगा, मोल्ड पैटर्न होगा, मोल्डिंग बॉक्स होगा, तो सैंड यहाँ पे कम फिलिंग हो पाएगी जिससे ये भी हमारा कास्ट नहीं हो पाएगा और ये भी हमारा क्या कास्टली हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि ये जो मोल्टेन मेटल यहाँ जो सब अपर सरफेस है और ये जो कंटेनर के बीच का जो डिस्टेंस है इसे एक ऐसा लिमिटेड डिस्टेंस रखें कि ना इसके बीच का गैप ज़्यादा हो और ना कम हो। तो उसी को हम लोग हाइट ऑफ स्टैंडर्ड स्पेसिमैन बोलते हैं। मतलब ये जो हाइट हम लोग लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक स्टैंडर्ड हाइट लेते हैं, स्टैंडर्ड हाइट लेते हैं और वो लगभग हमारा होता है h इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था 5.04 सेंटीमीटर पर मीटर होता है। तो इस तरीके से हम इसको लेते हैं। तो यहाँ पर h इज इक्वल टू हाइट ऑफ स्पेसिमैन होता था, p इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ से जो एयर पास करेगी उस कुछ प्रेशर भी लगाएगी तो वो हमारा हो जाएगा प्रेशर ऑफ एयर, a इज इक्वल टू एयर जो प्रेशर लगाएगी वो किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। अब उसके बाद जो एरिया हमारा होगा ये होगा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, और t इज इक्वल टू टाइम ऑफ पासिंग गैस, ये जो गैस जितना इसमें बनेगी वो पास करके जाएगी, जितने टाइम में ये पूरी गैस पास करके बाहर निकलेगी उसी को हम लोग बोलेंगे t। इसे हमने एक और फार्मूले से आपको बताया था 3007/t। अगर आपको दोनों में कोई भी फार्मूला पता है तो आप वैल्यू को रख देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज हमारी होती थी परमेबिलिटी, इसका डायग्राम हमने ऐसे शो किया था, ये जीरो से इस तरीके से, और मैक्सिमम परमेबिलिटी आपकी कितने परसेंट पे होती थी, यहाँ पर 8% वाटर, 6%, 4, 2, 0, 10, 12, 14, तो इस तरीके से हमारा होता था। मतलब अगर उस सैंड में 0% वाटर होगा तो सैंड के पार्टिकल्स एकदम पास पास सटे होंगे, तो उससे क्या होगा, वो बिल्कुल भी गैस को पास करने की जगह नहीं देगा, तो वहाँ पर परमेबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन अगर हम उसके उसमें नमी की मात्रा या पानी की मात्रा को बढ़ा दें तो वो क्या होगा, वो सैंड के पार्टिकल थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, मतलब पानी मिलाने पर और जब सैंड को हम लोग मिक्स करेंगे तो सैंड क्या होती है, फूल जाती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब सैंड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्रिएट हो जाता है, तो उसी को परमेबिलिटी बोलते हैं। अब क्या जो पानी बढ़ा रहे हैं तो 8% पानी बढ़ाने पर मैक्सिमम परमेबिलिटी मिलेगी, 8% से कम पानी होगा तो परमेबिलिटी कम होगी, ये परमेबिलिटी होता है, इधर होता है परमेबिलिटी और इधर होता है परसेंटेज ऑफ वाटर। 8% से ऊपर भी मिलाने पर परमेबिलिटी घट जाएगी, पानी बहुत ज़्यादा मिला देंगे तो फिर बालू के कण या सैंड के कण बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। तो ये परमेबिलिटी प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, अपनी सैंड की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज स्ट्रेंथ या कोहेसिवनेस।
इसे बना रहने देते हैं। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे, स्ट्रेंथ या कोहेसिवनेस ऑफ सैंड। इसमें क्या होता है, देखिए सपोज करिए कि जब ये हम मोल्ड बना रहे थे, ये जो मोल्ड बना रहे थे, अगर इसकी स्ट्रेंथ कम होगी तो उस समय क्या होगा, मोल्टन मेटल डालेंगे तो वो या तो उसकी हीट से क्रैक जनरेट कर देगा, और अगर उसमें कोहेसिवनेस नहीं होगा तो वो यहाँ पर मोल्ड कैविटी बना ही नहीं पाएगा, बार बार वो सैंड क्या होगी, ये टूट टूट कर अपने मोल्ड को यानी कि जो सांचा बनेगा उसे ख़राब कर देगी, कैविटी वहाँ बन ही नहीं पाएगी। तो हमारे पास सैंड में ऐसी प्रॉपर्टी हो जो सैंड के खुद के पार्टिकल्स के बीच में एक बेटर बॉन्डिंग बनाए, ऐसी प्रॉपर्टी को कोहेसिवनेस ऑफ द सैंड बोलेंगे, और उसके साथ इस मोल्डिंग बॉक्स में बने हुए मोल्ड की स्ट्रेंथ हमारी ऐसी हो कि ये हमारी आसानी से ना टूटे, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो स्ट्रेंथ हमारी कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो ऐसे देखिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड या द प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड इन विच सैंड पार्टिकल्स सैंड पार्टिकल्स मतलब आपस में क्या करेंगे, सैंड पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विथ अनदर सैंड पार्टिकल। इसका मतलब कोहेसिवनेस, इसका मतलब दो हमारा सेम सैंड पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को कोहेसिवनेस कहते हैं। इट मीन्स अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस बिटवीन सेम मॉलिक्यूल ऑफ सैंड इज कॉल्ड कोहेसिवनेस ऑफ सैंड। और ये कोहेसिवनेस आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। मोर कोहेसिवनेस सैंड आर यूज्ड, मोर कोहेसिव सैंड आर यूज्ड फॉर मेकिंग, क्या बनाने के लिए, मोल्ड बनाने के लिए, फॉर मेकिंग मोल्ड। अच्छा मान लीजिए अगर सैंड में एडहेसिव कोहेसिवनेस प्रॉपर्टी ना हो तो उस समय हम क्या करेंगे, इनके बीच के कोहेसिवनेस को बढ़ाने के लिए इनके बीच में कुछ बाइंडिंग एजेंट, ऑर्गेनिक बाइंडिंग एजेंट मिलाते हैं, जैसे डेक्सट्रिन मिलाते हैं, मोलासेस मिलाते हैं, लिंसेड ऑयल मिलाते हैं, तो इन सबको मिलाकर इनके बीच के कोहेसिवनेस प्रॉपर्टी को इंक्रीज करते हैं। फॉर इंक्रीज द कोहेसिवनेस प्रॉपर्टी ऑफ सैंड प्रॉपर्टी ऑफ सैंड
सैंड की कोहेसिवनेस प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए टू मिक्स विथ ऑर्गेनिक बाइंडर लाइक क्या क्या बाइंडर मिलाएंगे, जैसे डेक्सट्रिन और मोलासेस और लिंसेड ऑयल एटसेट्रा मिलाते हैं। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को हम लोग कोहेसिवनेस ऑफ सैंड बोलते हैं। कोहेसिवनेस तो आपको पता ही है, बस ये पता होना चाहिए कि उसे बढ़ाने के लिए क्या क्या मिलाते हैं, तो डेक्सट्रिन, लिंसेड ऑयल और मोलासेस। अब हम बात करेंगे सैंड की स्ट्रेंथ के बारे में, स्ट्रेंथ ऑफ सैंड। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ सैंड, देखिए जब हम मोल्टेन मेटल को इसके अंदर पोर करेंगे तो ये जो हमारा मोल्ड कैविटी है, ये मोल्ड कैविटी ब्रेक ना हो, और ब्रेक कब नहीं होगा, जब उसकी स्ट्रेंथ हमारी बेटर होगी। टू अवॉइड द ब्रेकिंग ऑफ मोल्ड कैविटी व्हेन पोरिंग द मोल्टेन मेटल द स्ट्रेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सैंड। टू अवॉइड द ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ मोल्ड व्हेन पोरिंग मोल्टेन मेटल, जब हम मोल्टेन मेटल को पोर करेंगे, टू पोर इन मोल्टेन मेटल द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड इज कॉल्ड स्ट्रेंथ मेटल। तो दीज प्रॉपर्टी ऑफ सैंड इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, मतलब सैंड की स्ट्रेंथ अगर हमारी ज़्यादा होगी तो उस पर हम कोई भी मोल्टेन मेटल फिल करेंगे तो जो फोर्स हमारा लगेगा उस फोर्स को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, वो सैंड बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा सैंड की स्ट्रेंथ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, एडहेसिवनेस ऑफ सैंड। अगली प्रॉपर्टी हमारी होगी एडहेसिवनेस ऑफ सैंड। एडहेसिवनेस का मतलब, देखिए ये जो सैंड है इस मोल्डिंग बॉक्स से भी प्रॉपर तरीके से हमारी क्या हो, बॉन्ड होकर चले, नहीं पता चले कि जब हम अपने कोप को ऐसे ऊपर ले जाएं तो कोप को बॉक्स ही ऊपर जाए, पूरी सैंड यहीं पर रखी रह जाएगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी ना होनी चाहिए, सैंड में ऐसी प्रॉपर्टी हो कि ये सैंड मोल्डिंग बॉक्स के साथ बेटर एडहेसिवनेस बनाए, और तब बनाएगी जब सैंड में एडहेसिव प्रॉपर्टी होगी। बॉन्डिंग बिटवीन सैंड एंड मोल्डिंग बॉक्स इज कॉल्ड एडहेसिवनेस एडहेसिवनेस प्रॉपर्टी ऑफ सैंड। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को हम लोग एडहेसिवनेस प्रॉपर्टी ऑफ सैंड बोलते हैं।
अब ये एडहेसिवनेस इंक्रीज करने के लिए बस देखिए उसमें कुछ नहीं करते हैं, जितनी अच्छी हम सैंड की रैमरिंग कर देंगे उतना ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सैंड इसके साथ प्रॉपर एडहेसिव हो जाएगी। लेकिन तब जब इस सैंड में प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, व्हेन प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट इज मिक्स इन सैंड एंड रैमरिंग ऑफ सैंड, देन द एडहेसिवनेस प्रॉपर्टी ऑफ सैंड विल बी इंक्रीजेड, देन द एडहेसिवनेस प्रॉपर्टी ऑफ सैंड विल बी इंक्रीजेस। तो इस तरीके से सैंड की एडहेसिवनेस प्रॉपर्टी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, प्लास्टिक और फ्लोएबिलिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्लास्टिक और फ्लोएबिलिटी। चलिए इसे रिमूव करते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी डिस्कस होगी प्लास्टिक और फ्लो एबिलिटी। इसका मतलब क्या है, ऐसे देखिए, सपोज करिए कि जब हम इसमें सैंड की रैमरिंग कर रहे हों, अगर सैंड प्रॉपर फ्लो एबल ना हो, मतलब उसमें प्लास्टिक प्रॉपर्टी ना हो, तो जब हम रैमरिंग करेंगे तो पुनः वो अपने शेप को अचीव कर लेगा, फिर रैमरिंग करेंगे फिर वो वापस चली जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें प्लास्टिक सिटी प्रॉपर्टी हो, मतलब हम रैमर से अगर एक बार फोर्स लगाएं तो जितना हमने सैंड को दबाया उसी पर सैंड रुक जाए, फिर दोबारा हम फोर्स लगाएं तो और सैंड दब जाए। तो ऐसी प्रॉपर्टी को प्लास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सैंड बोलेंगे, प्लास्टिक सिटी। दूसरी बात, फ्लोएबिलिटी क्या होगा, मतलब देखिए ये सैंड के पार्टिकल्स हैं, जब हम सैंड एक दूसरे के ऊपर रख के रैमरिंग करें तो ये आसानी से एक दूसरे के ऊपर फ्लो कर सकें, जिससे जहाँ पर सैंड के बीच में गैप ज़्यादा होगा वो सैंड फ्लो करके जाएगा और वहाँ के गैप को मिनिमाइज कर देगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोएबिलिटी ऑफ सैंड। अब इसमें देखिए, जब आपकी सूखी सैंड होगी, ड्राई सैंड होगी, तो आप हाथ में लीजिए सैंड को, देखिए आप छोड़िए बहुत तेज़ी से फ्लो करने लगता है, बहुत तेज़ी से सूखी सैंड को आप कहीं पर रखिए वो फ्लो करने लगता है, लेकिन उसमें जब थोड़ा सा नमी की मात्रा मिलाइए तो फ्लोएबिलिटी रुक जाएगी, और थोड़ा सा नमी की मात्रा मिलाइए फिर फ्लोएबिलिटी रुक जाएगी, थोड़ा सा और ज़्यादा टाइट मतलब पानी की मात्रा मिला दीजिए तो इस समय जब हल्की गीली सैंड हो जाएगी तो वो फ्लोएबिलिटी बिल्कुल नहीं होगा। आप ऐसे सैंड को किसी भी शेप में बना के कहीं भी रख देंगे तो वो उसी शेप में बना रहेगा, तो इसका मतलब वहाँ पर फ्लोएबिलिटी जीरो हो जाएगी। उसके बाद अगर उसमें और ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट मिलाएंगे, मतलब उसके ऊपर और पानी वगैरह मिलाएंगे, तो फिर वो फ्लोएबल होना शुरू हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब 0% वाटर होगा तो सैंड की फ्लोएबिलिटी सबसे मैक्सिमम होगी, और एक लिमिटिंग यानी कि 6% वाटर पर इसकी फ्लोएबिलिटी जीरो होती है, और 6% के ऊपर जब जाते हैं तो फिर फ्लोएबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं प्लास्टिक क्या होगा, इट इज़ द प्रॉपर्टी
ऑफ सैंड व्हेन सैंड आर रैमरिंग व्हेन सैंड आर रैमरिंग विथ मैलेट कह सकते हैं, हैमर कह सकते हैं, हैमर, देन सैंड सेटल डाउन एंड फिल द गैप ऑफ गैप बिटवीन सैंड देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिक सिटी। मतलब वो अपने ओरिजिनल शेप को ना रिगेन कर पाए, प्लास्टिक सिटी ऑफ सैंड। इट मीन्स हम कह सकते हैं, इट मीन्स आफ्टर रैमिंग द सैंड, सैंड क्या करेगी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन ना कर पाए। डू नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज जो पहले थी। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को हम लोग प्लास्टिक सिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। अब जब सैंड की सैंड एक सैंड की लेयर दूसरे सैंड के ऊपर जितनी तेजी से फ्लो कर सके ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे फ्लो एबिलिटी। तो नेक्स्ट देखें, द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड इन विच, देखें सैंड फ्लो ओवर इट्स पार्टिकल या इट्स मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फ्लो एबिलिटी ऑफ सैंड। ये हमारा हो गया फ्लो एबिलिटी। अब फ्लो एबिलिटी में क्या होगा, 0% मॉइस्चर कंटेंट पर मैक्सिमम फ्लो एबिलिटी होगी ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे देखिए, मैक्सिमम फ्लो एबिलिटी इज विथ ड्राई सैंड। ड्राई सैंड का मतलब 0% मॉइस्चर होगा एंड 6% वाटर पर 6% वाटर देन मिनिमम, या तो मिनिमम कह सकते हैं या जीरो कह सकते हैं, मिनिमम फ्लो एबिलिटी ऑफ सैंड। आप 6% के ऊपर भी जाएंगे तो भी हमारी फ्लो एबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, एबव 6% वाटर द फ्लो एबिलिटी ऑफ सैंड विल बी डिक्रीजेस। द फ्लो एबिलिटी ऑफ सैंड विल बी डिक्रीजेस। तो ये हमारा होता है फ्लो एबिलिटी। इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए ग्राफ ऐसा बनेगा, इस तरीके से रहेगा और फ्लो एबिलिटी का ऐसा ग्राफ कुछ बनेगा।
ऐसा ग्राफ का मतलब देखिए, ये यहाँ से ऐसे मान लीजिए ऐसे कुछ होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा फ्लो एबिलिटी और इधर हो जाएगा परसेंटेज ऑफ वाटर। जब हम मिलाएंगे तो यहाँ जो मिनिमम फ्लो एबिलिटी आएगी वो 6% पर 4208। तो इस तरीके से ये हमारा ग्राफ होगा फ्लो एबिलिटी का। अगर फ्लो एबिलिटी और परमेबिलिटी के ग्राफ को एक साथ देखना चाहें तो कैसा होगा उसको देख लेते हैं। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है, फ्लो एबिलिटी और परमेबिलिटी ग्राफ को एक साथ अगर हम लोग देखना चाहें तो कैसा बनेगा। देखिए, सपोज करिए कि हम यहाँ पर एक ग्राफ पहले बनाएंगे किसका, ऐसे मान लीजिए ये हमारा हो जाए। इस डायरेक्शन में हम लेंगे परमेबिलिटी और फ्लो एबिलिटी दोनों, तो ये हमारा हो जाएगा परमेबिलिटी और फ्लो एबिलिटी। इस तरीके से हमारा हो गया, और इस डायरेक्शन में हमारा हो जाएगा परसेंटेज ऑफ वाटर। सपोज करिए 0% वाटर, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरीके से मैक्सिमम 14 तक ही हम लोग देखते हैं। तो जब हम लोग किसकी बात करेंगे, आप देखिए फ्लो एबिलिटी की बात करेंगे, तो फ्लो एबिलिटी हमारी क्या होगी, 0% वाटर पर मैक्सिमम फ्लो करेगी सैंड, और 6% पर, ये हमारा है 6% पर ये मिनिमम फ्लो एबिलिटी हमारी होगी। तो इस तरीके से इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा हमारा। मतलब यहाँ पर 6% पर देखें, ये 6% पर मिनिमम फ्लोएबिलिटी हमारी मिलेगी। अब यहाँ से अगर हम बात करें किसकी, परमेबिलिटी की, परमेबिलिटी आप देखें 0% जब वाटर होगा तो परमेबिलिटी हमारी क्या होगी, 0 होगी, और उसके बाद जब वाटर कंटेंट बढ़ेगा तो वो परमेबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम 8% पर मैक्सिमम परमेबिलिटी होती है। तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा इसका ग्राफ, ऐसा जाएगा। ऐसे का मतलब यहाँ पर देखिए ये जो होगा 8% वाटर पर मैक्सिमम परमेबल हमारी होगी सैंड। तो इस तरीके से ये हमारा होता है परमेबिलिटी और ये हमारा होता है फ्लो एबिलिटी, इनके बीच में हम सैंड का यूज करते हैं। एक बेटर सैंड हमारी जो कास्टिंग के लिए यूज की जाती है वो इनके बीच वाले जोन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा ग्राफ हो जाता है किसके लिए, फ्लो एबिलिटी और परमेबिलिटी दोनों के लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड डिस्कस करेंगे। जैसे हमारी प्रॉपर्टीज अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, हार्डनेस क्या होती है या कोलैप्सिबिलिटी क्या होती है। चलिए इसे नोट करिए, फिर इसे हम लोग रिमूव करके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हार्डनेस के बारे में डिस्कस करते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं।
चलिए इसे मिटाते हैं, रिमूव करते हैं, जिससे कि अगली प्रॉपर्टी डिस्कस किया जाए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग हार्डनेस को डिस्कस करते हैं, हार्डनेस ऑफ सैंड। देखिए हार्डनेस क्या होती है, ये जो हमारी बन रही है जब हम मोल्टेन मेटल इसमें पोर कराएंगे तो उसके फोर्स की वजह से ये हमारी मोल्ड कैविटी टूटे ना, तो उस टूटने ना टूटने के लिए मतलब मोल्टेन मेटल के फोर्स को रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, हार्डनेस ऑफ सैंड। लेकिन क्या अगर इसको हम बहुत ज़्यादा हार्ड बना दें तो ये तो कितना भी फोर्स से इसके मोल्टेन मेटल आएगा इसमें वो हमारी बिल्कुल नहीं टूटेगी। लेकिन जब हम मेटल को रिमूव करेंगे तो इसे सैंड को तोड़ कर रिमूव करना होता है, तो उस समय अगर इसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इसे तोड़ने में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हार्डनेस को एक ऑप्टिमम लिमिट तक रखेंगे। इस देखिए ना इतनी कम हार्डनेस रखेंगे कि मोल्टन मेटल जाने से ये टूट जाए, या इतनी ज़्यादा भी हार्डनेस नहीं रखेंगे कि जब हम इसे रिमूव करने लगें तो जब हम मोल्ड को तोड़ें तो वो टूटे ही ना। तो ऑप्टिमम हार्डनेस हम लोग रखते हैं। पहले देखते हैं हार्डनेस क्या होती है। तो देखें व्हेन मोल्टेन मेटल पोर्ड इन मोल्ड कैविटी देन द फोर्स अप्लाइड ऑन द मोल्टेन मेटल क्या करेगा, देन मोल्टेन मेटल अप्लाई द फोर्स ऑन द मोल्ड सरफेस। तो उस फोर्स को रजिस्ट करने के लिए जो सैंड में प्रॉपर्टीज होगी उसे हम लोग हार्डनेस ऑफ सैंड कहेंगे। तो द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड, दी प्रॉपर्टी ऑफ सैंड विच इज रजिस्ट द फोर्स, कौन सा फोर्स ये जो हमारा मोल्टेन मेटल द्वारा इसकी सरफेस पे लगाया जा रहा है, इज कॉल्ड हार्डनेस ऑफ सैंड। अब इसकी वैल्यू को देखिए, हार्डनेस को हम लोग अगर 100 में मान लीजिए कि एक नंबर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम लोग नंबर द्वारा एक ऑप्टिमम लिमिट तक रखेंगे। उस ऑप्टिमम लिमिट से नीचे अगर रखेंगे तो ये सैंड का जो मोल्ड कैविटी है वो टूट जाएगा, और उससे ज़्यादा रखेंगे तो इस सैंड को आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ब्रेक करना कठिन हो जाएगा। तो द ऑप्टिमम नंबर ऑफ द ऑप्टिमम नंबर ऑफ हार्डनेस इज 60 to 80, 60 से 80 के बीच में ऑप्टिमम नंबर होता है हार्डनेस का, है ना।
60 से 80 के बीच में, बिलो 60, यहाँ देखिए बिलो 60, जब 60 से बिलो होगा तो हमारी क्या होगी, मोल्ड कैविटी आर ब्रेक, ब्रेक मोल्ड कैविटी। और अगर ये हमारी एबव 60 हो जाए, सॉरी एबव 80 हो जाए, तो उस समय हमारा क्या होगा, आफ्टर सॉलिडिफिकेशन जब हम वर्कपीस को रिमूव करेंगे तो इस मोल्ड को तोड़ेंगे तो ये मोल्ड आसानी से नहीं टूटेगी, है ना। डू नॉट ब्रेक, मोल्ड इजिली आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, आफ्टर सॉलिडिफिकेशन तो ये हमारा होता है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग हार्डनेस ऑफ सैंड प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और है, अगर हार्डनेस को परमेबिलिटी से हम लोग रिलेट करें तो देखें जितनी ज़्यादा हार्ड सैंड होगी उसकी परमेबिलिटी उतनी कम होगी। हार्ड का मतलब उसके मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, और जब पास पास होंगे तो परमेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, एयर को पास करने की कैपेबिलिटी नहीं होगी। तो हम लोग ऐसी हार्डनेस रखेंगे कि इसमें एयर भी पास करे, तो लगभग 60 to 80 वाली जो नंबर की हार्डनेस है वो हमारी क्या होगी, एक परमेबिलिटी भी देती रहेगी बेटर और हार्डनेस भी रहेगी। तो इस तरीके से हम चाहें तो ऐसा भी लिख लें, हार्डनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी, हार्डनेस बढ़ेगी तो परमेबिलिटी हमारी घटेगी। तो ये प्रॉपर्टीज हमारी होती है हार्डनेस। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं, अगली प्रॉपर्टीज हम लोग रिफ्रैक्टिवनेस डिस्कस करते हैं। रिफ्रैक्टिवनेस इसे नोट करिए, मतलब जब हमारा सैंड पर टेम्परेचर ज़्यादा जनरेट होता है इस मोल्ड कैविटी की वजह से, तो ये सैंड हमारी मेल्ट ना हो और रिफ्रैक्टिव ना हो, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ द सैंड कहते हैं। इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए देखें रिफ्रैक्टिवनेस प्रॉपर्टी ऑफ सैंड। रिफ्रैक्टिवनेस प्रॉपर्टी ऑफ सैंड, इसमें क्या होगा, ऐसे समझिएगा कि जब हम मोल्टेन मेटल को इसमें पोर करेंगे तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ मोल्टेन मेटल ये सैंड हमारी क्या होगी, गर्म होगी, और गर्म होकर अगर ये फ्यूज होकर रिफ्रैक्टिव होने लगे, अपने संरचना को बदलने लगे, तो उस समय क्या होगा, ये मोल्ड कैविटी हमारी ख़राब हो जाएगी। तो सैंड ऐसी हो कि ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ मोल्टेन मेटल सैंड विल नॉट डिफ्यूज, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ द सैंड। तो हम कह सकते हैं देखिए सैंड विल नॉट डिफ्यूज, विल नॉट डिफ्यूज ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ मोल्टेन मेटल, इज
कॉल्ड रिफ्रैक्टिवनेस प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड। मतलब हाई टेम्परेचर पर सैंड हमारी क्या हो, मेल्ट ना करे तो या फ्यूज ना करे, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग रिफ्रैक्टिवनेस प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड कहते हैं। अब इसमें अगर उस सैंड की ग्रेन साइज को इंक्रीज किया जाए, देखिए जब ग्रेन साइज बहुत छोटे छोटे होंगे तो उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, इस तरीके से ग्रेन साइज होंगे, और दूसरा ऐसे ग्रेन साइज होंगे, तो अब क्या होगा, इस पर टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, इसके डिफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे और इसके फ्यूजन यानी कि डिफ्यूज होने के चांसेस कम होंगे। तो हम कहेंगे कि जब ग्रेन साइज को हम लार्ज यूज करेंगे तो सैंड की रिफ्रैक्टिवनेस प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, लेकिन उसमें एक कमी आएगी कि ये जो सरफेस फिनिश मिलेगी, ये सरफेस फिनिश हमारी बेटर नहीं मिलेगी, तो इसकी भी एक लिमिटेड साइज की सैंड को हम यूज करते हैं। अब उसके बाद और ज़्यादा रिफ्रैक्टिवनेस को बढ़ाना हो तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में साल्ट को, साल्ट मतलब नमक को या कुछ एडिटिव को मिला देते हैं, जैसे इम्प्यूरिटीज को मिला देते हैं, जिससे सैंड की रिफ्रैक्टिवनेस प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऐसे, लार्ज ग्रेन साइज ऑफ सैंड, इंक्रीज द रिफ्रैक्टिवनेस प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड, इंक्रीज द रिफ्रैक्टिवनेस प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड, रिफ्रैक्टिवनेस प्रॉपर्टीज को बढ़ाएगा। अब उसके बाद एक लिमिटिंग साइज के बाद, लिमिटिंग ग्रेन साइज के बाद और ज़्यादा रिफ्रैक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए उसमें साल्ट और इम्प्योरिटीज को मिक्स कर देते हैं। आफ्टर ए लिमिटिंग साइज ऑफ ग्रेन्स, टू इंक्रीज द रिफ्रैक्टिवनेस प्रॉपर्टीज सैंड इज मिक्स विथ साल्ट एंड इम्प्योरिटीज, तो हम उसको क्या करते हैं, साल्ट और इम्प्योरिटीज के साथ मिक्स करके इस सैंड की रिफ्रैक्टिवनेस प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर लेते हैं। तो राइट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग अपने सैंड की ग्रीन स्ट्रेंथ और ड्राई स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ग्रीन स्ट्रेंथ ऑफ सैंड एंड ड्राई स्ट्रेंथ ऑफ सैंड, चलिए
नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग ग्रीन स्ट्रेंथ को डिस्कस करते हैं। सैंड की हमारी ग्रीन स्ट्रेंथ क्या होती है? जब सैंड में हम नमी की मात्रा को मिलाते हैं, ग्रीन स्ट्रेंथ ऑफ सैंड, सैंड में अगर हम मॉइस्चर कंटेंट को मिलाते हैं तो उस सैंड की स्ट्रेंथ थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है, तो ऐसी स्ट्रेंथ को हम लोग ग्रीन स्ट्रेंथ ऑफ सैंड बोलते हैं। सपोज करिए कि जब हम इस सैंड में पानी की मात्रा को मिला के फिर कंप्रेस कर देंगे, तो आफ्टर सॉलिडिफिकेशन या आफ्टर ड्राइंग उस सैंड की स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज कर जाएगी। जो किस वजह से इंक्रीज हो रही है? उसमें मॉइस्चर कंटेंट मिलाने से। तो ऐसी स्ट्रेंथ को हम लोग ग्रीन स्ट्रेंथ ऑफ सैंड बोलते हैं। अब उस सैंड की ग्रीन स्ट्रेंथ देखिए, सैंड में कंप्रेसिव फोर्स हम लोग लगाते हैं ताकि ये बेटर मोल्ड बन सके। मोल्ड बनाने के लिए इसको कंप्रेस करते हैं, तो सैंड की जो ग्रीन स्ट्रेंथ एक कंप्रेसिव फोर्स होती है। दूसरी बात, जब इस मोल्ड को हम तोड़ेंगे तो उसको हम लोग कट करते हैं, सीयर करते हैं, तो उस समय सीयर फोर्स लगाते हैं, तो उस समय जो स्ट्रेंथ हमारी होगी वो सीयर स्ट्रेंथ ऑफ सैंड होगी। तो सैंड की सीयर स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा होती, कम होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा रखते हैं, सीयर स्ट्रेंथ इसलिए कम रखते हैं ताकि जब इसे हम तोड़ें तो आसानी से ये ब्रेक कर जाए। तो इस तरीके से ये हमारा होगा मॉइस्चर, व्हेन मॉइस्चर और वाटर कंटेंट मिक्स विथ सैंड देन द स्ट्रेंथ ऑफ सैंड आर इंक्रीज, देन द स्ट्रेंथ ऑफ सैंड विल इंक्रीज सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ सैंड इज कॉल्ड ग्रीन स्ट्रेंथ ऑफ सैंड, ग्रीन स्ट्रेंथ ऑफ सैंड। अब ग्रीन स्ट्रेंथ हमारी दो तरीके से डिफाइन की जाती है। पहला, जब हम सैंड को कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, और दूसरा जब हम सैंड को सीयर करेंगे। तो जब रैमरिंग करते हैं तो कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, और जब सैंड को ब्रेक करते हैं मोल्ड को तो सीयर फोर्स लगाते हैं। तो जब रैमरिंग करेंगे तो उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और जब सीयर करेंगे तो सीयर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ ग्रीन स्ट्रेंथ, तो बेसिकली हम लोग दो तरीके के टाइप की सैंड का यूज करते हैं। ग्रीन स्ट्रेंथ में दो तरीके के स्ट्रेंथ हम लोग यूज करते हैं। पहली हम लोग यूज करते हैं कौन सी? कंप्रेसिव ग्रीन स्ट्रेंथ। और ये जो कंप्रेसिव ग्रीन स्ट्रेंथ होती है वो 130 से 160 किलो पास्कल के बराबर होती है। डेटा भी आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रीन स्ट्रेंथ की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो 130 से 160 किलो पास्कल के आसपास होती है। दूसरी हमारी होती है, देखिए, सीयर स्ट्रेंथ, ग्रीन सीयर स्ट्रेंथ। तो जब हम लोग सैंड को सीयर करेंगे, इस ब्लॉक को जब हम लोग काटेंगे या तोड़ेंगे, तो उस समय जो स्ट्रेंथ हमारी होगी उसे बोलेंगे
ग्रिल शियर स्ट्रेंथ, और ये लगभग 10 से 40 किलो पास्कल के आसपास होती है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग सैंड की ग्रीन स्ट्रेंथ कहते हैं। तो इसे नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं हॉट स्ट्रेंथ ऑफ सैंड। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, चलिए हॉट स्ट्रेंथ ऑफ सैंड। अच्छा, हॉट स्ट्रेंथ हमारी क्या होती है? जब हमारी यहाँ पे सैंड को वाटर कंटेंट के साथ मिक्स करके इसके अंदर भर दिए हैं, रैमरिंग कर दिए, मोल्टेन मेटल को यहाँ पे हमने डाला, उस मोल्टेन मेटल की वजह से ये सैंड हमारी गर्म होगी और यहाँ के मॉइस्चर कंटेंट इवोपरेट हो जाएंगे, है ना। उसके बाद वो सैंड हमारी क्या हो गई है? ड्राई कंडीशन में हो गई है, सूख गई है, और सूख कर गर्म हो गई है। तो ऐसी सैंड को हॉट सैंड के नाम से जानेंगे। अब उस हॉट सैंड को देखें, गर्म होने के बाद उस सैंड में जो अपनी बाइंडिंग प्रॉपर्टी, मतलब इस मोल्ड को बनाए रखने की प्रॉपर्टी है, उसे हम बोलेंगे हॉट स्ट्रेंथ ऑफ सैंड। तो यह हमारी क्या होगी? जब ग्रीन स्ट्रेंथ कन्वर्ट होगी ड्राई सैंड में, ऐसे देखें, when green sand converted into dry sand due to high temperature of molten metal के हाई टेम्परेचर की वजह से सैंड हमारी क्या हो जाती है? सूख जाती है, या हम कह सकते हैं आफ्टर बिकम द पोरिंग ऑफ मोल्टेन मेटल सैंड विल बिकम्स ड्राई। तो हम ये कह सकते हैं आफ्टर बिकम पोरिंग द मोल्टेन मेटल के जब हम लोग पोर करेंगे तो उस समय हमारी क्या हो जाएगी? सैंड सूख जाएगी। The sand will be dry. अब जब ये सैंड हमारी ड्राई हो गई है तो वो क्या करेगी? अब सूख गई है तो उसकी फ्लोएबिलिटी बढ़ जानी चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपनी फ्लोएबिलिटी को मेंटेन रखेगा, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग हॉट स्ट्रेंथ ऑफ सैंड बोलते हैं। देन द स्ट्रेंथ ऑफ सैंड, सैंड की स्ट्रेंथ हमारी थोड़ी सी और इंक्रीज कर जाएगी। हॉट हो गई है, सूख गई है, सैंड के पार्टिकल्स थोड़े से मूव कर जाएंगे पास, तो उसकी स्ट्रेंथ हमारी और इंक्रीज कर जाएगी। देन द स्ट्रेंथ ऑफ सैंड इंक्रीज सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हॉट स्ट्रेंथ ऑफ सैंड। इसे हम लोग सैंड की हॉट स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से इसे नोट करिए, अब जैसे हम लोग ग्रीन सैंड की देखें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती थी और शियर स्ट्रेंथ होती थी, सिमिलर हमारी ये हॉट सैंड, इसी को हम लोग ड्राई सैंड के नाम से भी जानते हैं। इट इज कॉल्ड ड्राई सैंड। इसे हम लोग ड्राई सैंड के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे ग्रीन सैंड की हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और शियर स्ट्रेंथ होती थी, उसी तरीके से इस ड्राई सैंड की भी
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और शियर स्ट्रेंथ होती है। तो नोट करिए, देखिए अगर इसके हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ड्राई सैंड इज इक्वल टू, ये होता है 120 से 140 किलो पास्कल, 120 से 140 किलो पास्कल। सेकेंड हमारी शियर स्ट्रेंथ ऑफ ड्राई सैंड, शियर स्ट्रेंथ ऑफ ड्राई सैंड इज इक्वल टू, ये होता है हमारा 30 से 80 किलो पास्कल, 30 से 80 और 40 से 120 से 140 किलो पास्कल के बीच ये हमारी होती है हॉट स्ट्रेंथ ऑफ सैंड। तो इसे नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं ग्रेन फाइननेस नंबर के बारे में। ग्रेन फाइननेस नंबर हमारा क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रेन फाइननेस नंबर। ग्रेन फाइननेस नंबर GFN इसे बोलते हैं, GFN GFN इसमें क्या होता है कि ग्रेन के जितने छोटे से छोटे यानी कि फाइन ग्रेन्स होंगे वो आपस में उतने अच्छे तरीके से सेटल्ड होंगे और उनके बीच का जो स्पेस होगा वो लगभग निग्लिजिबल या लेस होगा, है ना। तो वही हम कहते हैं द एवरेज साइज ऑफ ग्रेन, जो हम ग्रेन के जो एवरेज साइज होंगे वो हमारे कहलाएंगे ग्रेन फाइननेस नंबर। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जैसे ये बड़े ग्रेन्स हैं, अब इनके बीच में ये छोटे ग्रेन्स हमारे बैठे हुए हैं, तो अब इन बड़े ग्रेन्स के बीच में जो छोटे ग्रेन्स हैं तो कुछ ग्रेन्स का साइज बड़ा होगा, कुछ ग्रेन्स का छोटा होगा, कुछ मीडियम होगा, लेकिन उनका जो एवरेज साइज होगा उसे हम बोलेंगे ग्रेन फाइननेस नंबर। द एवरेज साइज ऑफ ग्रेन सैंड, या हम कह सकते हैं द एवरेज ग्रेन साइज ऑफ सैंड इज कॉल्ड ग्रेन साइज नंबर। तो हम लिख सकते हैं द एवरेज साइज ऑफ ग्रेन, या हम ऐसे कह सकते हैं कि अब ये ग्रेन हमारे डिस्ट्रीब्यूट होंगे चारों तरफ, तो उनके डिस्ट्रीब्यूशन से भी लिख सकते हैं कि द एवरेज साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंड इज कॉल्ड ग्रेन फाइननेस नंबर। तो ये हमारा कहलाएगा ग्रेन फाइननेस नंबर। जब उनके बीच के साइज कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा उसे हम लोग एक एवरेज ले लेंगे, मान लीजिए कोई 2 का है, कोई 4 का है, कोई 6 का है, तो हम लोग ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा 12/3, तो ये एवरेज आपका इसका आएगा 4 साइज। तो इस तरीके को हम लोग बोलेंगे एवरेज ग्रेन साइज ऑफ ग्रेन फाइननेस नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन, कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन।
थर्मल प्रसार गुणांक जिसे हम लोग बोलते हैं, है ना, कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन। जब यहाँ मोल्टेन मेटल हीट देगा तो ये जो सैंड हमारी होगी वो गर्म होगी, गर्म होकर अगर वो सैंड अपने साइज को बढ़ा ले तो उसमें क्या थर्मल एक्सपेंशन आएगा। तो हम लोग ऐसी सैंड का यूज करेंगे जिसमें थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम हो, लो थर्मल एक्सपेंशन सैंड विल बी यूज। हम ऐसे कह सकते हैं लो थर्मल एक्सपेंशन सैंड विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग मोल्ड, मोल्ड को बनाने के लिए। यह हमारा हो गया। अब इसमें देखिए, ये तो हमारा लो थर्मल एक्सपेंशन हो गया। चलिए इसी को हम लोग कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन बोलते हैं। तो ड्यू टू हाई हीट ऑफ मोल्टेन मेटल सैंड विल बी एक्सपेंड ड्यू टू हाई हीट ऑफ मोल्टेन मेटल सैंड विल बी एक्सपेंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ सैंड इज कॉल्ड कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन तो ये हमारी ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग सैंड का एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बोलते हैं, इसे नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज केमिकल रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रेजिस्टिविटी अगली प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसे नोट करिए। देखिए केमिकल रेजिस्टिविटी, इसमें क्या होगा, सपोज करिए कि जब हम लोग सैंड को कुछ इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स कर रहे हैं, फिर उसके बाद जब सैंड हाई टेम्परेचर पाएगी, हाई टेम्परेचर अडॉप्ट करेगी, तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन अगर होने लगे तो वो हमारी केमिकल रेजिस्टिव सैंड नहीं कहलाएगी। ऐसी सैंड का यूज करेंगे जो मोल्टेन मेटल के हाई टेम्परेचर की वजह से भी अपने केमिकल चेंजेस को ना लाए, तो इस तरीके के सैंड को केमिकल रेजिस्टिव सैंड बोलते हैं। ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ मोल्टेन मेटल सैंड विल नॉट चेंज केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल रेजिस्टिव सैंड। ऐसी सैंड को हम लोग केमिकल रेजिस्टिव सैंड बोलेंगे जो इसके साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन ना करे, चाहे जितना हमारे मोल्टेन मेटल का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो इस तरीके की सैंड को हम लोग केमिकल रेजिस्टिव सैंड बोलते हैं। और उस तरीके की उस सैंड में ऐसी प्रॉपर्टीज को केमिकल रेजिस्टिव या केमिकल रेजिस्टिविटी हम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके की हमारी सारी सैंड की प्रॉपर्टीज होती है जिसे हम लोगों ने डिस्कस किया।
ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने सैंड की डिस्कस किया। अब क्या होगा कि इस सैंड की प्रॉपर्टीज के बाद इसमें जो सैंड हम लोग यूज कर रहे हैं वो कौन कौन सी सैंड यूज करेंगे, सिलिका सैंड, ड्राई सैंड, लूम सैंड, फेसिंग सैंड, पार्टिंग सैंड, कोर सैंड, तो इन सारी सैंड को भी हम लोग देख लेते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ सैंड के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए इसे रिमूव करते हैं और हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट टाइप्स ऑफ सैंड पढ़ते हैं। कौन सी सैंड कहाँ पे यूज की जाती है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे ग्रीन सैंड कहाँ पे यूज की जाएगी, फेसिंग सैंड कहाँ पे यूज की जाएगी, पार्टिंग सैंड कहाँ पे यूज की जाएगी, तो ये सारी चीज़ें भी आपसे पूछी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सैंड, इसे भी रिमूव कर दें। इस बॉक्स को बना रहने देते हैं क्योंकि इसमें हम लोग अलग अलग सैंड के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये बॉक्स हमारा बहुत हेल्प करेगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सैंड। जो सैंड हम लोग यूज करते हैं उनके प्रकार के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू इट्स बाइंडिंग एजेंट, यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू इट्स बाइंडिंग एजेंट या बाइंडिंग प्रॉपर्टी, जो सैंड में बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग सैंड के पार्टिकल्स जो आपस में बंधे होते हैं या मतलब कोहेसिवनेस प्रॉपर्टीज होती है उसके अकॉर्डिंग हम सैंड को दो तरीके से डिस्कस करते हैं। पहली हमारी होती है नेचुरल सैंड, नेचुरल सैंड और दूसरी हमारी प्रॉपर्टीज होती है सिंथेटिक सैंड, सिंथेटिक सैंड या इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल सैंड, आर्टिफिशियल सैंड। हम लोग इसमें कुछ बाइंडिंग एजेंट वगैरह मिलाते हैं और इस सैंड को बनाते हैं, है ना। तो इस तरीके के सैंड को जैसे हम लोग लिंसेड ऑयल मिला देते हैं, डेक्सट्रिन मिला देते हैं, कुछ और हम लोग कोल डस्ट मिला देते हैं, मतलब कोक पाउडर जिसे बोलते हैं, और हम उसमें फ्लोर सा मतलब लकड़ी के बुरादे का उपयोग कर लेते हैं। तो ऐसी सारी एजेंट को मिलाकर जो हम सैंड बनाते हैं उसे बोलते हैं सिंथेटिक सैंड। और अगर उस सैंड को जो नेचर में हमारी मिली होती है सीधे उसे यूज कर लेते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल सैंड। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उस सैंड को अकॉर्डिंग टू यूज देख लेते हैं। देखिए सिंथेटिक सैंड जो मैंने आपको डिस्कस किया ये हमारी क्या होती है, इट इज कंपोज्ड विथ, इट इज कंपोज्ड विथ कुछ हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑर्गेनिक बाइंडर, कंपोज्ड विथ ऑर्गेनिक बाइंडर। अब इस सैंड की स्ट्रेंथ हमारी ग्रेटर होगी नेचुरल सैंड से, है ना। इट्स स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन नेचुरल सैंड। नेचुरल सैंड और ये हमारी क्या होती है, इसकी कास्ट भी लो होती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगी,
ये हमारी सब सैंड बनाते हैं तो कास्ट बहुत ज़्यादा नहीं आती हैं, हायर वॉल्यूम में भी इसकी कास्ट लो होती हैं। फॉर हायर वॉल्यूम ऐसे देखिए, ज़्यादा अगर हम बनाएंगे, ज़्यादा वॉल्यूम में सैंड को बनाएंगे, फॉर हायर वॉल्यूम कास्ट इज लो, तो ऐसी सैंड अगर अधिक वॉल्यूम में बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट हमारी लो होती है। ये तो था हमारा अकॉर्डिंग टू इट्स बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू यूज देख लेते हैं, ग्रीन सैंड, ड्राई सैंड, सिलिका सैंड, इन सब के बारे में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू यूज। According to used types of sand, यूज के according sand के प्रकार को हम लोग according to used types of sand कहेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग जैसे green sand के बारे में discuss करेंगे। Point one, green सैंड ये हमारी एक प्रकार की नेचुरल सैंड की ही तरह होती है, जिसमें 70% सिलिका होती है और 30% क्ले कंटेंट होते हैं। इट बिहेव्स लाइक एज ए नेचुरल सैंड, ऐसे हम देखते हैं, इट बिहेव्स या इट इज लाइक एज ए नेचुरल सैंड, यह एक नेचुरल सैंड की तरह होती है जिसमें सिलिका और क्ले की क्वांटिटी होती है। इसमें क्या होती है, 70% सिलिका प्लस 30% क्ले। क्ले का मतलब मृतिका होता है, 70% सिलिका और 30% क्ले होता है। जब इसमें हम लोग मॉइस्चर कंटेंट मिलाते हैं तो हम लोग सिलिका की मात्रा को कम कर देते हैं और क्ले की मात्रा को भी कम कर देते हैं, तो 6-8% इसमें मॉइस्चर कंटेंट मिला देते हैं। प्लस अगर हम लोग इसमें करें 6-2 या यहाँ पे देखिए 6-8% ऑफ वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट को हम इसमें 6-8% मिला देते हैं और 2-6% तक अदर बाइंडिंग एजेंट भी हम लोग इसमें मिला देते हैं, जैसे डेक्सट्रिन स्टार्च, सॉरी स्टार्च नहीं, डेक्सट्रिन मोलासिस ऑयल और उसके साथ साडस्ट यानी कि कोक पाउडर, इसको भी मिला देते हैं और 2-6% अदर बाइंडिंग एजेंट, अदर बाइंडिंग एजेंट को भी 2-6% तक हम लोग मिला देते हैं, तो ऐसी सैंड को हम लोग ग्रीन सैंड के नाम से जानते हैं। अब इसको देखिएगा, इसको एक अनदर नाम टेम्पर्ड सैंड के नाम से भी जानते हैं, इट इज कॉल्ड टेम्पर्ड सैंड। इसमें कंपोजिशन किसका किसका होगा, सिलिका का होगा, क्ले का होगा और वाटर कंटेंट का होगा, प्लस सम बाइंडिंग एजेंट आर यूज्ड, दिस टाइप ऑफ सैंड इज कॉल्ड टेम्पर्ड सैंड। इसका उपयोग नॉन फेरस मटेरियल को बनाने के लिए किया जाता है, बिकॉज आप जब फेरस मटेरियल बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, ड्यू टू मॉइस्चर कंटेंट वो सैंड हमारी फेरस मटेरियल के साथ रिएक्ट करेगी और ऑक्साइड की लेयर बनाएगी। तो इस तरीके से इसका उपयोग नॉन फेरस मटेरियल को बनाने के लिए किया जाता है। अब नॉन फेरस में भी अगर बहुत बड़े साइज के कास्टिंग को बनाना होगा
तो ये सैंड हमारी एलिजिबल नहीं होगी। तो इसका उपयोग स्मॉल साइज की कास्टिंग में नॉन फेरस मटेरियल को कास्ट करने के लिए किया जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे दिस सैंड इज यूज्ड फॉर स्मॉल साइज कास्टिंग स्मॉल साइज मतलब छोटे साइज की कास्टिंग में इसका उपयोग हम लोग करते हैं और नॉन फेरस मटेरियल के लिए एंड यूज फॉर नॉन फेरस मटेरियल। तो इस तरीके की सैंड को हम लोग ग्रीन सैंड बोलते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट सैंड हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्राई सैंड। अच्छा एक मिनट देखिएगा, इसके कंपोजिशन के बारे में, ये 20-30% सिलिका होता है, यहाँ पे 20-30% सिलिका होता है, प्लस इसमें क्ले की क्वांटिटी होती है और उसके साथ साथ वाटर कंटेंट होते हैं। जब 70% सिलिका हो जाए तो वो हमारी कहलाती है ड्राई सैंड। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कंपोजिशन के बारे में। ड्राई सैंड, ड्राई सैंड में सिलिका प्लस क्ले की मात्रा होती है, इसमें केवल और केवल सिलिका प्लस क्ले होगा और 70% सिलिका यूज करेंगे प्लस 30% क्ले यूज करते हैं। इसमें भी कुछ बाइंडिंग एजेंट हम लोग मिला देते हैं, कभी कभी इसको भी बनाने के लिए हम लोग कुछ बाइंडिंग एजेंट का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन सिंपल सा अगर सिलिका प्लस क्ले का यूज किया जाए तो 70% सिलिका और 30% क्ले। इसमें क्ले खुद एक बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्ले का मतलब क्या होता है, सैंड के महीन पार्टिकल, जैसे आप मिट्टी मतलब गीली मिट्टी, तो उसे हम लोग सिंपल सा क्ले बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ड्राई सैंड इज मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सिलिका, इट इज मेड विथ कंपोजिशन ऑफ सिलिका प्लस सैंड, या सिलिका प्लस सैंड के कंपोजिशन को मिलाकर बनाया जाता है। और इसकी देखिए ये ड्राई है तो ग्रीन स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारे ड्राई सैंड की होती है, और इसे स्मॉल साइज के कास्टिंग के लिए यूज करते थे। जब इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो इसे लार्ज साइज की कास्टिंग के लिए उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इट्स स्ट्रेंथ इज greater than green sand। और इसका उपयोग लार्ज साइज बड़े बड़े आकार के साइज की कास्टिंग के लिए किया जाता है एंड यूज फॉर लार्ज साइज कास्टिंग बड़े साइज के वर्कपीस को बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो ऐसी सैंड को हम लोग ड्राई सैंड के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं लूम सैंड। लूम सैंड हमारी क्या होती है, ये भी पूछा जाता है। लूम सैंड का कंपोजिशन पूछ लेता है या लूम सैंड का उपयोग पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट हमारी होती है लूम सैंड। देखें यह भी केवल सिलिका और क्ले की क्वांटिटी को लेके बनाया जाता है, लेकिन इसमें इट इज मेड विथ कंपोजिशन ऑफ
कंपोजिशन ऑफ सिलिका प्लस क्ले, और इसमें 50% सिलिका, 50% सिलिका होती है प्लस 50% क्ले होता है। तो इस तरीके की सैंड जिसमें 50% सिलिका और 50% क्ले का उपयोग किया जाए, सिलिका मतलब नेचुरल सैंड बालू सिल्क, और क्ले मतलब मिट्टी, तो इस तरीके की सैंड को हम लोग लूम सैंड के नाम से जानते हैं। और इसका उपयोग ग्रे कास्ट आयरन मटेरियल की कास्टिंग के लिए मोस्टली किया जाता है। यूज ऑफ दिस सैंड इन कास्टिंग ऑफ ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, ढलवा भूरा लोहे की कास्टिंग करने के लिए हम अपनी लूम सैंड का उपयोग करते हैं, और इसे लार्ज क्वांटिटी में हम लोग यूज करते हैं। इसे हम लोग लार्ज क्वांटिटी में मतलब अधिक मात्रा में यूज करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेकिंग ग्रे कास्ट आयरन। आगे बात करते हैं फेसिंग सैंड की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फेसिंग सैंड। देखिए फेसिंग सैंड क्या होता है, जब हम मोल्टेन मेटल पोर करते हैं तो डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में हमारा मोल्ड कैविटी आता है, तो वो सैंड हमारी क्या होगी, उस मोल्टेन मेटल के साथ चिपक जाएगी। जब चिपक जाएगी तो हम लोग कास्टिंग के बाद जब इसे तोड़ेंगे तो काफ़ी सारी सैंड उसके साथ चिपक जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ऐसी कमी को रोकने के लिए, जैसे हमने आपको बताया था कि जब हम लोग रोटी बनाते हैं तो गीले आटे को थोड़ा सा सूखे आटे के साथ मिक्स करके तब उसको हम लोग रोटी बनाते हैं, तो जिससे वो हमारा गीला आटा उस टूल पे ना चिपके, तो उसे अवॉइड करने के लिए जिस हम सूखे आटे का उपयोग करते हैं वो हमारा एक्ट एज ए फेसिंग सैंड, फेसिंग सैंड की तरह एक्ट करता है। मतलब कास्टिंग को यहाँ पे डायरेक्ट मोटर मेटल जो हमारा सैंड के कॉन्टेक्ट में आएगा तो उससे चिपकने से रोकने के लिए इस मोल्ड कैविटी में एक पतली सी सैंड की लेयर रख देते हैं, और वो हमारा होता है ड्राई सिलिका प्लस क्ले, सिलिका और क्ले की सूखी मात्रा को इसके अंदर रख देते हैं। अब जब मोल्टेन मेटल पोर करेंगे तो वो सीधे इस ड्राई सैंड के कॉन्टेक्ट में आएगा, तो इस तरीके के सैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, फेसिंग सैंड। फेसिंग सैंड इज यूज टू नियर द मोल्ड कैविटी, यह मोल्ड कैविटी के पास यूज किया जाता है, या इट इज यूज बिच या इट इज यूज बिटवीन किसमें, पोरिंग मोल्टेन मेटल एंड मोल्डिंग सैंड के बीच में। इट इज यूज बिटवीन ए लेयर ऑफ पोरिंग मोल्टेन मेटल, मोल्टेन मेटल एंड मोल्डिंग सैंड, एंड मोल्डिंग सैंड। और इसमें किसका किसका मिक्सचर यूज किया जाता है, सिलिका प्लस क्ले, ड्राई सिलिका प्लस क्ले आर यूज्ड एज ए फेसिंग सैंड। तो इस तरीके से ऐसी सैंड को हम लोग फेसिंग सैंड के नाम से
जानते हैं, जिसका उपयोग हम लोग वर्कपीस को डायरेक्ट कांटेक्ट ना करें सैंड के साथ उसमें करते हैं। आगे बात करते हैं पार्टिंग सैंड। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं पार्टिंग सैंड, जो हमारी अलग करेगी। हम लोग पार्टिंग सैंड का उपयोग कहाँ पे करेंगे? अच्छा देखिए, ये मोल्टन मेटल बॉक्स है, ऊपर कोर होता है, नीचे कोप होता है, नीचे ड्रैग होता है। अब जब कोप को हम अलग करेंगे तो क्या रैमरिंग करने पर ये जो सैंड हमारी है, कोप की सैंड ड्रैग की सैंड के साथ मिक्स हो जाएगी, तो ये अलग होगा ही नहीं, ये पूरी सैंड को लेकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो हम चाहेंगे कि कोप केवल अपने हिस्से की सैंड को लेकर जाए और ड्रैग अपने हिस्से की सैंड को रखें। तो पहले हम ड्रैग पर सैंड को फिल कर देंगे, उसके बाद ड्रैग के ऊपर एक पतली सी सैंड इस तरीके से रख देंगे ड्रैग के ऊपर, और यहाँ पर भी ड्राई सिलिका और क्ले की मात्रा को रख देंगे। तो अब क्या होगा, जब सूखी सैंड देखें, जब इसे आप 3D में देखेंगे, इस तरीके का हमारा बॉक्स होगा, इसमें जब हम लोग ऐसे देखेंगे, देखिए ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा, मतलब यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। तो ये जो सरफेस हमारी बनेगी यहाँ पर, इस सरफेस पे हम लोग क्या करेंगे, उस मोल्टेन मेटल को सैंड को रख देंगे, फिर इसके ऊपर हम लोग कोप को रखेंगे, तो आसानी से ये कोप हमारा सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हम लोग कोप और ड्रैग को सेपरेट करने के लिए उनके बीच में जिस सैंड का उपयोग करते हैं उसे बोलते हैं पार्टिंग सैंड। तो पार्टिंग सैंड इज यूज्ड बिटवीन पार्टिंग सैंड इज यूज्ड बिटवीन सरफेस एरिया, पूरे सरफेस एरिया पर, पूरे सरफेस फ्लोर पर हम लोग इसे बिछाते हैं। सरफेस एरिया बिटवीन, नहीं, यूज्ड बिटवीन सरफेस एरिया ऑफ कोप एंड ड्रैग, अब क्यों यूज करेंगे, बिकॉज कोप इज इजली सेपरेट विथ ड्रैग, बिकॉज कोप इज इजली सेपरेट सेपरेट विथ ड्रैग, ड्रैग से आसानी से अलग होने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और इसका भी जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन ऑफ, देखें, ड्राई सिलिका प्लस क्ले आर यूज्ड, आर यूज्ड एज ए पार्टिंग सैंड। तो इस तरीके के सैंड को हम लोग पार्टिंग सैंड के नाम से जानते हैं। चलिए आगे की सैंड को हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी जैसे और हमारी सैंड है, कोर सैंड क्या होती है, स्पेशल सैंड क्या होते हैं, इन सब के बारे में भी डिस्कस करते हैं। बैकिंग सैंड क्या होती है, चलिए अगली सैंड हम लोग बैकिंग सैंड और
कोर सैंड के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि ये दोनों सैंड हमारी क्या होती हैं, बैकिंग सैंड और कोर सैंड। चलिए, बैकिंग सैंड, इसे दूसरे नाम फ्लोर सैंड के नाम से भी जानते हैं। जैसे देखिए, सपोज करिए कि यहाँ पर इस मोल्ड कैविटी में मान लीजिए इतनी दूर तक हम लोगों ने ग्रीन सैंड या ड्राई सैंड को भर दिया। अब क्या, देखिए ग्रीन सैंड और ड्राई सैंड थोड़ी सी तो कॉस्टली होती है नेचुरल सैंड से, क्योंकि हम लोग सिंथेटिक एजेंट उसमें मिलाते हैं। तो अब क्या इस बचे हुए पार्ट में, मतलब पूरे बॉक्स में हम लोग एक ही सैंड को भरेंगे तो इसकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो हम उस कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए एक यहाँ पर, यहाँ तक जहाँ तक हमें मोल्ड कैविटी की स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होगी, तो नियर द मोल्ड कैविटी हम क्या करेंगे, हाई स्ट्रेंथ ऑफ सैंड आर यूज। लेकिन अवे फ्रॉम मोल्ड कैविटी से दूर एंड नियर फ्रॉम मोल्डिंग फ्लास्क, जो मोल्डिंग फ्लास्क है उसके नियर में हम कुछ ऐसी सैंड को भर देंगे जिसकी स्ट्रेंथ कम होगी, तो उसे हम लोग बोलते हैं बैकिंग सैंड या फ्लोर सैंड। इसे केवल एक बार ही कास्टिंग में यूज किया जाता है, ये रीयूजेबल नहीं होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दिस सैंड इज यूज्ड अवे फ्रॉम मोल्ड कैविटी, मोल्ड कैविटी से दूर, या हम कह सकते हैं और नियर द मोल्ड, देखिए नियर द मोल्डिंग फ्लास्क। मोल्डिंग फ्लास्क के नज़दीक जिस सैंड का हम लोग उपयोग करते हैं उसे बैकिंग सैंड या फ्लोर सैंड के नाम से जानते हैं। ये सैंड केवल एक बार ही यूज की जाती हैं। दिस सैंड इज यूज इन वन टाइम, इन कास्टिंग। कास्टिंग में इस सैंड को हम लोग केवल एक बार ही यूज करते हैं, इसे हम लोग रीयूज नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट पैटर्न के लिए, तो इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं बैकिंग सैंड। अब इसके कलर की बात अगर पूछेगा तो ये हमारी ब्लैक कलर में होती है, कोक पाउडर वगैरह की तरह हमारा होता है, इट इज इन ब्लैक कलर। तो इट्स कलर इज ब्लैक, और इसका उपयोग हम लोग नेक्स्ट मोल्डिंग, मतलब ये मोल्ड कैविटी को बनाने के लिए नहीं करते हैं। तो हमने इसलिए लिखा दिस सैंड इज यूज इन वन टाइम इन कास्टिंग। तो इस तरीके से, और ये देखिए यहाँ पे सपोज करिए यहाँ हमने फेसिंग सैंड को लगा रखा है, फेसिंग सैंड को, तो फेसिंग सैंड को सपोर्ट करने के लिए भी हम कह सकते हैं यहाँ ग्रीन सैंड है या ड्राई सैंड है। इन ग्रीन सैंड और ड्राई सैंड को सपोर्ट करने के लिए भी हम बैकिंग सैंड का उपयोग करते हैं। इट इज यूज फॉर सपोर्ट द, ऐसे देखें, इट इज यूज फॉर सपोर्ट द, किसको सपोर्ट करेगी, अगर यहां से लेके यहां तक हम लोगों ने मान लीजिए ग्रीन सैंड, ड्राई सैंड या फेसिंग सैंड को भर रखा है, तो उसी सैंड को सपोर्ट करने के लिए यहां पर हम लोग लगाएंगे बैकिंग सैंड को। इट इज यूज फॉर सपोर्ट द फेसिंग सैंड कॉमा ग्रीन सैंड
एंड ड्राई सैंड विच इज नियर द मोल्ड कैविटी, ये सारी सैंड हमारी मोल्ड कैविटी के नज़दीक होती हैं। आगे बात करते हैं कोर सैंड क्या होती है। चलिए तो अब देखिए कोर क्या होता है। जब किसी मोल्टेन मेटल से हम, जैसे मोल्ड कैविटी हो गई, जो खोखला कैविटी होगा उसमें मोल्टेन मेटल को डालेंगे फिर बाहर निकालेंगे तो उसी खोखले कैविटी की तरह एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर उस सॉलिड ऑब्जेक्ट में एक हॉलो कैविटी क्रिएट करानी हो तो उस खोखली कैविटी में जितने साइज का हॉलो बनाना होगा उतने साइज का एक गुटका रख देंगे। उस गुटके को हम लोग बोलते हैं कोर, और वो किसका बनाया जाता है, सैंड का बनाया जाता है। तो ऐसी सैंड जो कोर को बनाने के लिए यूज की जाती है उसे हम लोग कोर सैंड के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कोर सैंड। अगली सैंड हमारी होगी कोर सैंड। चलिए अभी हम कोर सैंड डिस्कस करने के बाद आपको कोर क्या होता है, कोर प्रिंट क्या होता है, चैपलेट, चिल्स, पैडिंग, इनके बारे में भी पूरा अंतर डिस्कस और डिटेलिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए कोर सैंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग कोर सैंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग कोर, इसे हम लोग कोर को बनाने के लिए करते हैं मेकिंग कोर। इसका दूसरा नाम ऑयल सैंड भी होता है, इसे हम लोग ऑयल सैंड के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑयल सैंड। कोर सैंड को हम लोग ऑयल सैंड के नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग किसी भी प्रोडक्ट में होल बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए जब हम किसी प्रोडक्ट में होल बनाएंगे तो कोर का उपयोग करेंगे, और कोर को किससे बनाएंगे, सैंड से बनाएंगे, तो इसीलिए इसका नाम हो गया कोर सैंड। अब इसमें जो एजेंट मिलाए जाते हैं कौन कौन से एलिमेंट हमारे मिलाए जाते हैं, तो ऐसे देखिएगा ये हमारी होती है सैंड प्लस ऑयल प्लस बाइंडर, इस तरीके से इसका उपयोग हम लोग करते हैं। सैंड का उपयोग करेंगे, ऑयल का और बाइंडर का। और बाइंडर के रूप में हम लोग किसका किसका उपयोग करते हैं, जैसे हमारा डेक्स्ट्रिन हो गया, मोलासेस हो गया, है ना, तो इस तरीके से लिंसेड ऑयल, डेक्स्ट्रिन, लिंसेड ऑयल, डेक्स्ट्रिन, मोलासेस, तो इस तरीके से, या मतलब ऑर्गेनिक बाइंडर एंड ऑर्गेनिक बाइंडर, तो ये हमारी होती है कोर सैंड। ऐसी सैंड जिसको हम लोग कोर बनाने के लिए उपयोग करते हैं उसे कोर सैंड के नाम से जानते हैं। और कोर का उपयोग किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में हॉलो कैविटी प्रोड्यूस कराने के लिए किया जाता है। चलिए एक लास्ट सैंड हम लोग सिस्टम सैंड क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। सिस्टम सैंड हमारी क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। कुछ नहीं होती है, ये कुछ स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं। तो कभी अगर आपसे पूछ ले तो इसके एजेंट वगैरह के बारे में नहीं बताएंगे। सिस्टम सैंड इज यूज्ड फॉर मैकेनिकल पर्पज और यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पज। इट इज यूज्ड फॉर, देखिए सिस्टम सैंड इज यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पज और स्पेशल पर्पज और मैकेनिकल
प्रोसेस, मैकेनिकल मैकेनिकल प्रोसेस या मैकेनिकल पर्पज के लिए या स्पेशल पर्पज के लिए हम सिस्टम सैंड का उपयोग करते हैं। इसमें भी सैंड प्लस ऑयल प्लस बाइंडर एजेंट होते हैं। तो इस तरीके से हमारी टाइप्स ऑफ सैंड कंप्लीट होती हैं। अब थोड़ा सा आपको हम डिस्कस कर देते हैं, जैसे हम लोग कोर क्या होती है, कोर प्रिंट क्या होती है, चैपलेट क्या होता है, चिल्स क्या होती है, पैडिंग क्या होती है, उसके बारे में आइए अपना टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। कोर, कोर प्रिंट, चैपलेट, चिल्स, पैडिंग। अगर कभी आपसे ऐसा पूछ ले सैंड में कौन कौन से एडिटिव मिलाए जाते हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं, तो उसके बारे में भी आपको जानते रहना चाहिए कि सैंड में हम लोग कौन कौन से, जैसे हम लोग वुड मिलाते हैं, मतलब लकड़ी के बुरादे मिलाते हैं, कोक पाउडर मिलाते हैं। तो इस तरीके से अगर उनके एलिमेंट के बारे में पूछ ले तो उसे भी आपको जानते रहना चाहिए, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है उस पर भी डिस्कस कर दे रहे हैं। चलिए थोड़ा सा इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एडिटिव यूज्ड इन मोल्डिंग सैंड, मोल्डिंग सैंड में हम लोग कुछ एडिटिव मिला दें, जैसे सपोज करिए हम एक एडिटिव मिला दें या तो वुड और फ्लोर सा, जिसे हम लोग बोलते हैं वुड और फ्लोर सा, ये हमारा क्या होता है, लकड़ी के बुरादे होते हैं। इनका उपयोग हम लोग जब सैंड में मिक्स करते हैं तो यह सैंड की कोलैप्सिबिलिटी को बढ़ाता है, ताकि सैंड बेटर कोलैप्सिबल हो जाए। और उसके साथ देखिए लकड़ी के बुरादे में कुछ नमी होती है, तो यह सैंड में ग्रीन स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द ग्रीन स्ट्रेंथ एंड कोलैप्सिबिलिटी ऑफ मतलब एक सैंड दूसरे के ऊपर कोलैप्स होकर अच्छे से मिक्स हो, तो कोलैप्सिबिलिटी ऑफ सैंड। जब हम लकड़ी की डस्ट को यूज करेंगे तो इस तरीके से यह हमारा एक इसके ऊपर ऐसे कोलैप्स करे, ऐसे कोलैप्स करे, ताकि जब रैमरिंग करें तो आसानी से कोलैप्स करके कम वॉल्यूम में श्रिंक कर कर बैठ जाए, जिससे एक स्ट्रॉन्ग मोल्ड बने हमारा। तो हम मोल्ड में लकड़ी के बुरादे या इसका उपयोग इसीलिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि हम लोग स्टार्च और डेक्सट्रिन का यूज क्यों करते हैं। कभी कभी हम लोग स्टार्च और डेक्सट्रिन का उपयोग कर लेते हैं।
कुछ ऑर्गेनिक बाइंडर होते हैं जिसे जैसे स्टार्च एंड डेक्सट्रिन, ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक बाइंडर हैं जो सैंड की हार्डनेस को भी इम्प्रूव करते हैं और रजिस्टिविटी को भी इम्प्रूव करते हैं। तो दीज आर द ऑर्गेनिक बाइंडर विच इज यूज्ड फॉर इम्प्रूव द रजिस्टेंस और डिफॉर्मेबिलिटी ऑफ सैंड। तो ऐसे हम कह सकते हैं दीज आर द ऑर्गेनिक बाइंडर which is used to increase the hardness and जब यह सैंड की हार्डनेस और हमारी रजिस्टिविटी ऑफ चाहे हम कह सकते हैं ब्रेकिंग कह सकते हैं, चाहे हम क्रैकिंग कह सकते हैं, ऑफ क्रैकिंग आर इंक्रीज, इंक्रीज। तो सैंड में हम लोग स्टार्च और डेक्सट्रिन का उपयोग उसके डिफॉर्मेशन, रजिस्टिविटी या इस तरीके से इंप्रूव करने के लिए करते हैं। अगली बात करते हैं आयरन ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम लोग मिलाते हैं, तो उसको हम लोग क्यों मिलाते हैं, नेक्स्ट देखिए, आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सैंड में हम लोग आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मिलाते हैं जिससे सैंड की ग्रीन हार्डनेस बढ़ जाती है। ग्रीन हार्डनेस स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द ग्रीन हार्डनेस स्ट्रेंथ ऑफ सैंड, यूज टू इंक्रीज द ग्रीन हार्डनेस स्ट्रेंथ ऑफ सैंड। सैंड की जो ग्रीन हार्डनेस होगी उस स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। आगे बात करेंगे कोल डस्ट, सी कोल या सिलिका फ्लोर, कोल डस्ट या सिलिका फ्लोर, कोयले का जो पाउडर होता है, कोल डस्ट या सी फ्लोर या सिलिका फ्लोर, देखिए ये भी ग्रीन स्ट्रेंथ को बढ़ाता है लेकिन सरफेस की बेटर फिनिश को इम्प्रूव करता है। इट इज यूज फॉर इम्प्रूव द बेटर सरफेस फिनिश ऑफ मोल्ड कैविटी, इट इज यूज्ड टू इम्प्रूव द बेटर सरफेस फिनिश ऑफ मोल्ड कैविटी। ये जो मोल्ड कैविटी हमारी बनती है जैसे इस तरीके से, अब इस पे देखिए यहाँ सरफेस फिनिश सही नहीं है, यहाँ गड़बड़ है,
यहाँ सही है। तो हमें एग्जैक्ट यूनिफॉर्म सरफेस फिनिश अगर प्रोवाइड करना हो, इस तरीके से यूनिफॉर्म सरफेस फिनिश हमें प्रोवाइड करना हो, तो उस समय हम कोल डस्ट या सिलिका फ्लोर का उपयोग कर लेते हैं। तो अब हमारे ये सारे क्या होते हैं, कुछ स्पेशल एलिमेंट होते हैं जो हम सैंड में मिलाते हैं। चलिए थोड़ा सा आपको कोर क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन कर देते हैं। देखिए, सपोज करिए कि इसमें एक हॉलो कैविटी बनानी हो, इस तरीके से एक हॉलो कैविटी बनानी हो, तो मान लीजिए हमारा एक ये मोल्डिंग बॉक्स हो गया। अब यहाँ पर जब हमने सपोज करिए कि यहाँ एक पैटर्न इस साइज का बनाए, ये हमने बनाया पैटर्न। अब इस पैटर्न में खोखली आकृति, जब पैटर्न को निकाल लेंगे तो निकालने के बाद यहाँ पर एक खोखली आकृति बन जाएगी सिमिलर इस रेक्टेंगुलर शेप की। फिर उसमें हम क्या करेंगे, उस खोखली आकृति में जिस डायमीटर का होल करना था, उस डायमीटर का एक हम लोग क्या करेंगे, सैंड का ऐसे कोर बनाएंगे। अब इस कोर को अगर यहाँ पर ये सॉलिड होगा सैंड का, अब इस कोर को अगर यहाँ पर रखेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा। तो उस समय हम क्या करेंगे, ऐसे देखिए दो तरीके से इस कोर को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। पहला तो इसमें ऐसे एक स्लॉट दे दें, इसमें एक ऐसे एक स्लॉट दे दें। अब उसके बाद इसकी लेंथ को थोड़ा सा और बड़ा बनाएं, फिर इस कोर को ले आकर यहाँ पर इस दोनों के बीच में ऐसे फिट कर दें। यहाँ पर ये कोर हमारी आएगी और इस तरीके से फिट हो जाएगी। जब कोर हमारी ऐसी फिट हो जाएगी, जब किसी, देखिए ये मोल्डिंग बॉक्स में, मोल्ड कैविटी में जब हम कोई स्लॉट काट दें और उस स्लॉट पर कोर हमारी टिक जाए, तो इसे हम बोलते हैं, ये जो स्लॉट कटता है इसी को हम लोग बोलते हैं कोर प्रिंट। हम लोग प्रिंट बना देते हैं, ठीक है। दूसरी बात, हम लोग इसको यहाँ पे ना बनाकर, अगर इसे यहाँ पे ना बनाएं, सपोज करिए कि ऐसा हमारा था ये मोल्डिंग बॉक्स, ऐसा था, इस पे ये मोल्ड कैविटी थी। अब हमने ये स्लॉट नहीं बनाया, फिर भी इसे हमें यहाँ पे रखना था, तो उस समय हम क्या करेंगे, ऐसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये हमने ऐसे अपने ऑब्जेक्ट को रखा, अब इसे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर कोई एलिमेंट लगा दें, एक गुटका हम ऐसे लगा दें, एक गुटका यहाँ पे ऐसे लगा दें, एक गुटका ऐसे, अगर और ज़्यादा लंबी है तो तीन गुटके, चार गुटके, पांच, अपने हिसाब से लगा दें। अब ये क्या होगी, कोर हमारी नीचे नहीं आएगी, और कास्टिंग के बाद ये जो मटेरियल होगा ये सेम उसी मटेरियल का बनाया जाएगा जिस मटेरियल की कास्टिंग करनी हो, और इसका मोल्टेन मेटल मतलब पोरिंग टेम्परेचर कितना होगा, उस मोल्टेन मेटल से कम रखेंगे ताकि उसके टेम्परेचर से ये आकर लिक्विडिफाई हो जाए और इसमें सॉलिडिफाई होकर एक हॉलो कैविटी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें। तो जब कोर को सपोर्ट करते हैं तो सपोर्ट करने के लिए जो यूज करते हैं इस एलिमेंट को, ये जो कोर को सपोर्ट कर रहा है इसे बोलते हैं चैपलेट, कंफ्यूज मत होइएगा, और ये जो कोर में स्लॉट करते हैं इसे बोलते हैं कोर प्रिंट, और जो हॉलो कैविटी क्रिएट करते हैं इसे बोलते हैं कोर। तो ये तीन एलिमेंट होते हैं, कोर का उपयोग हॉलो कैविटी क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, और कोर हमारी सैंड की बनाई जाती हैं, देन आफ्टर कोर को सपोर्ट करने के लिए कोर प्रिंट और चैपलेट का उपयोग करते हैं। अब एक टर्म आता है चिल्स एंड पैडिंग, वो टर्म्स आता है चिल्स एंड पैडिंग। अब ये जो बड़ा ऑब्जेक्ट होता है वो बड़े ऑब्जेक्ट में अंदर की हीट बाहर तक जाने में टाइम लगता है, और बाहर की हीट जल्दी से रिलीज होती है, जिससे अपर सरफेस पूरे बॉडी की तेज़ी से कूल होगी और इनर सरफेस
धीरे धीरे कूल होगी, तो अपर सरफेस की हार्डनेस हमारी ज़्यादा हो जाएगी, इनर सरफेस की हार्डनेस कम होगी, तो मटेरियल के अंदर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी और बाहर हार्डनेस प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। तो एक ही मेटल या एक ही वर्कपीस में कई तरीके की प्रॉपर्टीज हमारी मिल जाएंगी, तो उन प्रॉपर्टीज से हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि सब जगह पर सेम प्रॉपर्टीज हो, सब जगह पर सेम प्रॉपर्टीज हो, तो उसे हम अचीव करने के लिए वर्कपीस का जो मोल्ड कैविटी बनेगा, उस मोल्ड कैविटी में पोरिन मटेरियल को डालने से पहले ही यहाँ पर कुछ चिप्स टाइप के ऐसे मेटल हम रख देंगे, और ये मेटल हमारे क्या होंगे, इसी को हम लोग चिल्स या पैडिंग कहते हैं। इनका कूलिंग टेम्परेचर मतलब मेल्टिंग टेम्परेचर वर्कपीस के मेल्टिंग टेम्परेचर से कम होता है, वो आएगा मोल्टेन मेटल, इसको मेल्ट कर देगा, फिर ये सारे मोल्टेन में मतलब ये जो ऑब्जेक्ट रखे गए हैं उस वर्कपीस को डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन देंगे, एक समान सॉलिडिफिकेशन होगा, डायरेक्शनल कूलिंग होगा, तो जिससे हर जगह पर समान मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जनरेट होंगी। तो चिल्स एंड पैडिंग का उपयोग डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन या डायरेक्शनल कूलिंग के लिए करते हैं। तो ये हमारे कुछ स्पेशल एलिमेंट होते हैं। अब इसमें आपसे हो सकता है क्वेश्चन ये भी पूछा जाए, देखिए ये कोर है, ये नीचे फोर्स लगाएगी और ये जो लिक्विड है इसे ऊपर फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पर वही हाइड्रोस्टैटिक कॉन्सेप्ट हमारा लगता है, ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक कॉन्सेप्ट। ये जो कोर यहाँ पे है अपने भार के बराबर यहाँ के मोल्टेन मेटल के वॉल्यूम को रिमूव करके रखी है, तो इन सब का भी क्वेश्चन आपसे हो सकता है बने, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले देखें यहाँ पर हम लोगों ने कोर और कोर प्रिंट के बारे में आपको डिस्कशन किया। चलिए तो ये तो था हमारा कोर क्या होता है, चिल्स क्या होता है, पैडिंग क्या होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में और डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये जो कोर बनेगी ये नीचे नहीं जाएगी, यहाँ मोल्टेन मेटल इस पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, है ना, जैसे बॉयंसी फोर्स लगता है, उसके बाद ये कोर भी अपने भार के बराबर फोर्स लगाएगी, तो इस कोर पर नेट फोर्स कितना लगेगा उसको भी हम लोग निकालेंगे। इस कोर का क्या क्या रिक्वायर्ड मटेरियल होता है, तो वो तो कोर किससे बनाते हैं, सैंड से बनाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग आज का अपना लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।